यह फरवरी के शुक्रवार फ्राइडे का दिन था। तारीख थी 7 फरवरी। साल था 1812। चार्ल्स डिकेंस, जिनका पूरा नाम चार्ल्स जॉन हफहाम डिकेंस था, वे एक नेवी पे ऑफिस के साधारण क्लर्क के घर में 7 फरवरी 1812 को पैदा होते हैं। इनकी माँ का नाम एलिजाबेथ डिकेंस था, पिताजी जॉन डिकेंस थे और इनका जन्म पोर्टलैंड में हुआ था। पोर्टलैंड पोर्ट्स माउथ का सब अर्ब है। चार्ल्स डिकेंस का निधन 58 वर्ष की उम्र में 9 जून 1870 को होता है, यानी 9 जून 1870 को उनका निधन होता है। चार्ल्स डिकेंस विक्टोरियन युग के महान नावलिस्ट हैं। इन्होंने जर्नलिज्म का से अपना करियर प्रारंभ किया था और संघर्ष के दिनों में पत्रकारिता ने इनको एक स्थायित्व दिया था। आज हम चार्ल्स डिकेंस से संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 9 दिसंबर 2004 का है, द ऑफिस ऑफ सरकम लोक्यूशन आकर्स इन, तो जो ऑफिस ऑफ सरकम लोक्यूशन है, ऑफिस ऑफ सरकम लोक्यूशन, यह इनके एक प्रसिद्ध उपन्यास ब्लीक हाउस में आता है। द ऑफिस ऑफ सरकम लोक्यूशन आकर्स इन ब्लीक हाउस। दूसरा प्रश्न है, विच डिकेंस नॉवेल अटैक्स द न्यू पुअर लॉ ऑफ द न्यू प्योर लॉ ऑफ 1834 इन द ओपनिंग चैप्टर्स, यानी 1834 में न्यू पुअर लॉ जो पास किया गया था, तो उस पर किस नावल के प्रारंभिक चैप्टर्स में प्रहार किया गया है, न्यू पुअर लॉ पर किस नावल में प्रहार किया गया है, तो आंसर है ओलिवर ट्विस्ट 1839, ओलिवर ट्विस्ट 1839। 3, अ टेल ऑफ टू सिटीज हैज, आंसर अ रोमांटिक हीरो एंड अ रोमांटिक हीरो विद वीकनेस। अ टेल ऑफ टू सिटीज हैज अ रोमांटिक हीरो विद वीकनेस। अ टेल ऑफ टू सिटीज ए हिस्टोरिकल नावल है 1859 की, और इसमें एक रोमांटिक हीरो है और उसमें कुछ कमजोरियां भी हैं। 4, द कोर्ट ऑफ चांसरी इज अ सेटिंग इन डिकेंस, तो आंसर ब्लीक हाउस, यानी ब्लीक हाउस में कोर्ट ऑफ चांसरी के दृश्य हैं, यानी द कोर्ट ऑफ चांसरी इज अ सेटिंग इन डिकेंस ब्लीक हाउस। 5वां प्रश्न मैचिंग है, ब्लीक हाउस 1853, हार्ड टाइम्स 1854, अ टेल ऑफ टू सिटीज 1859,
ग्रेट एक्सपेक्टेशन 1861, ब्लिक हाउस 1853, हार्ड टाइम्स 1854, अ टेल ऑफ टू सिटीज 1859, ग्रेट एक्सपेक्टेशन 1861। 6. हु अमंग चार्ल्स डिकेंस करेक्टर्स इज अम्बल एंड हु विलिन, यानी चार्ल्स डिकेंस के जो करेक्टर्स हैं उसमें अम्बल किसे बोला जाता है और विलिन किसे बोला जाता है। उरिया हीप अम्बल, बारकीज विलिन। तो डेविड कॉपरफील्ड 1850 के दो पात्र हैं उरिया हीप, इसे अम्बल बोला जाता है, और बारकीज है इसे विलिन बोला जाता है। 7th क्वेश्चन, सिसी जूप इज अ करेक्टर इन, आंसर सिसिलिया सिसी जूप इज अ सर्कस गर्ल ऑफ स्लीरीज सर्कस एज वेल एज अ स्टूडेंट ऑफ थॉमस ग्रेड ग्राइंड, थॉमस ग्रेड ग्राइंड से वेरी स्ट्रिक्ट क्लासरूम। तो हार्ड टाइम्स में सिसी जूप एक करेक्टर आता है, यह स्लीरीज सर्कस, स्लीरीज सर्कस की सर्कस गर्ल है, और ग्रेड ग्राइंड की ए स्टूडेंट है। तो इसके अगले प्रश्न हैं, आठवां प्रश्न, विच करेक्टर इन डिकेंस कीप्स ऑन होपिंग दैट समथिंग विल टर्न अप, मतलब एक करेक्टर है डिकेंस का जो बहुत ही आशावादी है और हमेशा यह आशा किया करता है समथिंग विल टर्न अप। आंसर विल्किंस मिकोबर, डेविड कॉपरफील्ड 1850। तो डेविड कॉपरफील्ड 1850 का एक करेक्टर विल्किंस मिकाबर है जो ये आशा किया करता है कि समथिंग विल टर्न अप। 9. योर हम्बल सर्वेंट हु सेज, योर हम्बल सर्वेंट हु सेज, तो ए यूरिया हीप है जो कहा करता है योर हम्बल सर्वेंट। 10. इन विच ऑफ द नॉवेल्स ऑफ डिकेंस द प्रोटेगनिस्ट रिमेंबर्स हाउ ही हैड बीन अ चाइल्ड्स टॉम जोन्स अ हार्मलेस क्रीचर इन हिज बॉयहुड। तो डेविड कॉपरफील्ड 1850 नावल में डेविड कॉपरफील्ड ये कहा करता है कि अपने बचपन के दिनों में वह अ चाइल्ड्स टॉम जोन्स अ हार्मलेस क्रीचर था। विच नावलिस्ट वाज ए पार्लियामेंट रिपोर्टर, आंसर डिकेंस, डिकेंस कुछ सप्ताह के लिए पार्लियामेंट रिपोर्टर थी। विच नावलिस्ट वाज अ पार्लियामेंट रिपोर्टर, डिकेंस। एन एपिसोडिक नावल इज पिकविक पेपर्स, तो पिकविक पेपर्स एक एपिसोडिक नावल है। मिस प्रॉस अ टेल ऑफ टू सिटीज 1859, तो ए टेल ऑफ टू सिटीज 1859 में मिस प्रॉस नामक एक चरित्र आता है। द लार्ज डिले इज द सब्जेक्ट ऑफ लिटिल डोरिट, लिटिल डोरिट नावल में लिटिल डोरिट नावल का विषय है द लार्ज डिले, कानून में देरी।
एडिटर ऑफ डेली न्यूज डिकेंस। डिकेंस कुछ सप्ताह के लिए डेली न्यूज के एडिटर रहे थे, एडिटर बनाए गए थे। देखिए, डिकेंस पार्लियामेंट रिपोर्टर थे। अपने संघर्ष के दिनों में डिकेंस ने पार्लियामेंट रिपोर्टर के तौर पे काम किया था, लेकिन डेली न्यूज के कुछ सप्ताह के लिए डिकेंस संपादक या एडिटर बनाए गए थे। रिचर्ड कार स्टोन एंड आडा क्लेयर, ये दो करेक्टर हैं। रिचर्ड कार स्टोन, आडा क्लेयर, ये ब्लीक हाउस में आते हैं। रिचर्ड कार स्टोन एंड आडा क्लेयर, ब्लीक हाउस। द मैजरीज ऑफ वर्कर्स इन द वेक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड। तो हार्ड टाइम में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकीकरण के समय जो वर्कर्स की दुर्दशा थी, मजदूरी थी, उनका वर्णन किया गया है। विलेन इन द नॉवेल डेविड कॉपरफील्ड, उरिया हीप। तो डेविड कॉपरफील्ड में उरिया हीप जो है वो विलन का काम करता है। हुज करेक्टर इज एन आइडियल ऑफ वुमनहुड इन डेविड कॉपरफील्ड, एग्नेस विकफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड में एग्नेस विकफील्ड को वुमनहुड का आइडियल की तरह चित्रित किया गया है। यानी एग्नेस विकफील्ड जो हैं वो वुमनहुड के आइडियल के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। हु बिलीव्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। तो डिकेंस का एक करेक्टर है मिस्टर क्रीकल। मिस्टर क्रीकल एक टीचर है जो विश्वास करता है स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, यानी वह रॉड के द्वारा चाइल्ड को सुधारने की बात करता है। इन ए थिएट्रिकल परफॉर्मेंस वोप्सले एक्ट्स एज द प्रिंस ऑफ डेनमार्क इन शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट। तो शेक्सपियर का एक प्ले है हैमलेट। हैमलेट में वोप्सले ने हैमलेट का मंचन होता है, उसमें वोप्सले द प्रिंस ऑफ डेनमार्क की भूमिका निभाता है, और यह दृश्य द ग्रेट एक्सपेक्टेशन में आता है। थैंक यू।